दोस्तों फाइनली हवन संपन्न हो चुका है हम, और अच्छा सुध बना रहे हैं, और अब नौकन्या हम भोग लगा सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हवन संपन्न हो गया है, और अब सब जो जो 9 दिन के उपवास थे वो नौकन्या भोग लगाने का अब जा रहे हैं, तैयारी शुरू करने हैं। बाबू मन करो, और मैं भी जा रहा हूँ, आप तैयारी शुरू करता हूँ नौकन्या ग्रहण करने का। ए भैरव बाबा क्या बजा रहा है? चलो नौकन्या खिलाना है, पंडित जी बोल रहे हैं हवन हो गया। तो दोस्तों अभी सीन कुछ ऐसा है कि जो कन्या हैं, जो बालक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और आज मंडे है, सोमवार का दिन है, तो सभी आज स्कूल गए हुए हैं, और किसी का सुबह में स्कूल रहता है तो 2-3 लोग हैं, और जो दोपहर वाले हैं वो सब 5-6 बजे आएंगे, जो ट्यूशन रहता है। देखो कब तक आते हैं, कब तक भोग लगाएंगे हम, देखते हैं। तब तक बने रहे आप व्लॉग में। कन्या खिलाने के लिए प्रसाद बन रहा है। अब बनाने वाली इधर है। तो दोस्तों फाइनली 3 बज गए हैं, और बच्चे लोग का स्कूल छूट गया है, कितने बच्चे घर आ गए हैं, और धीरे धीरे सब बच्चे आ रहे हैं घर पे। ये देखो सोना आई है, और सीमर, अनुष्का, तन्नु, राशि, पीहू, टिट्टू, और इसका येलो वाली का अनिशा। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 कन्याएं माता जी आगमन हो गए हैं, भैरव बाबा यहाँ नाच रहे हैं, अब 2 लोग और आ रहे हैं, और सचिन ने बहुत हेल्प किया है कन्या लाने में, बहुत बहुत आभारी। ये हमारे बड़े भैरव बाबा, अभी 2 कन्याएं और आ रही हैं, फिर प्रसाद ग्रहण कराएंगे। जय माता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। ए भैरव बाबा आजा बैठ जा, आओ इधर जल्दी। केला का पत्ता। मैं बाहर जाके सिचुएशन संभाल। ये पकड़े रहो, बोल रहा था पकड़ लो, सही नहीं। जय माता दी। सोना जोर से बोलो। पत्रोनी क्या था?
बिट्टू कितना लाए उसमें? बारह। कहाँ बारह लाए? कितना है? कैसे गिने हो? धोखा दे दिया। भैरव बाबा को भी आरती, न्यू भैरव बाबा, ये ओल्ड भैरव बाबा है, भाव खाने वाले हैं। तुम पत्रों लगा दो, काम तो मैं सो के आ रहा था। पंखा चालू हो गया, कॉल के डाल गरम नहीं हो, ये बुझ जाएगा, चलेगा ना? हाँ अभी आरती हो गया ना सर। हाँ हो गया। वो कटिंग अलग नहीं अच्छा लग रहा है, कटिंग वाला। भैरव बाबा अभी एक पान और है अपने पास, एक पान और है, एक पान ऊपर रखा हूँ, यही पत्ता केला का, कम पड़ेगा तो है अभी। और जय माता जी का नाम लेंगे फिर चालू करेंगे। भैरव बाबा ना बहुत भाव खाते हैं, बैठ ही नहीं रहा था, मोबाइल नहीं है तो बैठा है। जय माता दी बोल के शुरू करो। जय माता दी, जय माता दी। जाना फिर अभी स्टार्ट किए होंगे, देख चार एक घंटे अचानक से दुखी की एंट्री। खुशी खुशी बहुत लेट हो गई आने में, खुशी का खुश इधर है। वो खुशी और ये दुखी, खुशी का खुश इधर हो गया, ये भी रख दिया, ये दुखी। ये भैरव बाबा आज बोल खाली इधर उधर भाग रहा है, खुशी के बिना न्यू भैरव बाबा। पंडित जी ठीक है ना? पंडित जी गाना बहुत बढ़िया बढ़िया चलाते हैं। सबसे अच्छा है मेरा बेटा है बाल कृष्ण। आशीर्वाद दो मेरे को, बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद दे दो सबो। देख तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। हो गया। और ये लोग को दे दो ना, तीन बच्चे हैं। क्षमा हुआ, गलती हुआ होगा तो माफी करना। माता हो बोल दो माफ किया, जोर से बोलो, और आशीर्वाद दिया। चलो जय माता दी।
अभी डांस भी करेंगे ना, गरबा रात में होएगा ना। बाय बाय बाय। हाँ बेटा बाय कर दो, आप दोस्त हैं ना आप लोग के साथ, ट्यूशन में पढ़ते हैं ना आपके। चलो सब बच्चे अपने अपने घर, जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली नौ कन्या को प्रसाद ग्रहण करा दिए, भोग लगा दिए और माताएं सभी नौ कन्या सभी अपने अपने घर के लिए विराजमान हो गई हैं। और अभी हमारे घर के चार पांच भैरव बाबा हैं, उनको भोग लगाया जा रहा है मीठा पूड़ी और हलवा प्रसाद प्रसाद खाने बैठे हैं। चलो अच्छा, बाबू को भैरव बाबा बनाए थे लेकिन बहुत मस्ती कर रहा था, बैठ ही नहीं रहा था, खाली पर्दा पे इधर उधर लटक रहा था। तो छोटे पंडित जी आए थे, वो बैठे थे। बाबू अभी खाओगे ना पूड़ी हलवा, खाओगे ना हलवा पूड़ी? ठीक है चलो, ये लो ये आपका, अच्छे से बैठो। हाँ तोड़ के खाओ, हाँ ऐसा तोड़ो, छोटा छोटा तोड़ो और उसका छोटा तोड़ो। हाँ शाबाश, अरे वाह आता तो है, खा लो शाबाश। चलो केला का पत्ता में सुबह सचिन को भी दे दूँ, मैं तो नहीं खाऊंगा ना आज। चलो कोई बात नहीं, ओके। बाबू अनमोल अनमोल रहता तो वो भी खाता ना। अनमोल बेटा अगले साल खाएगा, उसको भी बनाएंगे भैरव बाबा। तो दोस्तों फाइनली माताएं नौ कन्या सभी चलेंगे अपने घर और प्रसाद भी ग्रहण करके तीन चार लोग भाई लोग सब लोग चले गए अपने घर। और अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हवन का और नौ कन्या प्रसाद ग्रहण का, तो ये वीडियो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगा। और तो दोस्तों और आज नवमी था, आज कन्या प्रसाद ग्रहण था, हवन हो गया था और जो भंडारा है यहाँ पर वो कल का भंडारा रखा गया है, आज नहीं होगा। और ये प्रोग्राम इतना ही, भंडारा का मैं कल आप लोगों को विसर्जन और भंडारा रहेगा दोपहर में सुबह के टाइम में और विसर्जन रहेगा शाम में, वो कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और आज जागरण रहेगा रात में, आज लास्ट वाला दिन है, आज जागरण है और कल विसर्जन है और आज जागरण करेंगे। और आज नाइट में गरबा होगा दांडिया होगा, उसका अलग से ब्लॉग शूट कर दूँगा। और ये ब्लॉग लंबा हो गया होगा तो ये ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सभी माता बहनों को दिल से प्रणाम घर आने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और कुछ गलती हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा करना। जय माता दी। अब ये वीडियो यही ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करो, टाटा बाय बाय।